हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हाई सैलरी बीएससी कोर्सेस इन इंडिया। बीएससी में जो है बहुत सारे कोर्सेस है, मतलब बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इनमें से हाईएस्ट सैलरी वाली कौन कौन से कोर्सेस है, इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो ये चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि जो आपको अच्छे तरीके से पता चले कि कौन से बीएससी कोर्सेस में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी मिलती है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे जो लगभग आपको 3 लाख से लेके 9 लाख तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है स्टार्टिंग में, और अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसके बाद जो आपको लगभग 20 लाख तक का पैकेज पर एनम के लिए मिल जाता है। और जो यहाँ पे जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट या वेब डेवलपर काम कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, पाइथन, C++, डेटाबेस सिखाया जाता है। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट पे आता है बीएससी में। उसके बाद जो दूसरा है वो है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी जो सैलरी रेंज अच्छी है, लगभग 2 लाख से लेके 7 लाख तक का पैकेज स्टार्टिंग में मिल जाता है, और लगभग ये 17 लाख तक के जाता है पर ईयर के लिए। और यहाँ पे जो आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज पूछे हुए थे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या आईटी मैनेजर आप बन सकते हो बीएससी आईटी के बाद। उसके बाद आता है बीएससी इन डेटा साइंस। अभी के लिए जो स्पेशलाइजेशन भी आ रहे, पहले 2 ही थे, बीएससी इन सीएस, बीएससी इन आईटी, बट अब इसमें भी जो है डेटा साइंस भी आ चुका था। अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, आप बीएससी इन डेटा साइंस कर सकते हो। यहाँ पे जो सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, लगभग 3 लाख से लेकर 7 लाख तक का पैकेज स्टार्टिंग में मिल जाता है, और लगभग 20 लाख तक जाता है। और यहाँ पे जो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है बीएससी इन AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी के लिए आपको ने देखा ही होगा कि ChatGPT हो गया, गूगल का बार्ड आ गया, जो AI सॉफ्टवेयर है। तो इसमें भी जो आगे चल के बहुत जॉब्स आपको मिलने वाले हैं, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, 3 लाख से लेकर 7 लाख तक का पैकेज, और ये 18 लाख तक जाता है पर ईयर के लिए। आप ये भी कर सकते हो बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद जो आगे का कोर्स है वो है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे भी जो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, 3 लाख से लेकर 9 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, और ये लगभग 20 लाख तक चला जाता है अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो। ये भी अच्छा खासा है कोर्स है। उसके बाद आता है बीएससी इन मैथमेटिक्स। तो अगर आपको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीएससी इन मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, यहाँ पे भी जो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, 3 लाख से लेके 8 लाख तक का पैकेज आपको पर ईयर के लिए स्टार्टिंग के लिए मिलता है, और अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है 2 या 3 साल का, तो लगभग 20 लाख तक भी चला जाता है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, तो ये आप कर सकते हो बीएससी इन मैथमेटिक्स के बाद। उसके बाद आता है बीएससी इन इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या बिजनेस जो होता है वहाँ पे, तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे भी जो सैलरी है लगभग 4.5 लाख से लेके 8 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, और ये लगभग 25 लाख तक चला जाता है पर ईयर के लिए। उसके बाद जो अगला है वो है बीएससी इन फिजिक्स। अगर आपको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा पैकेज है, 3 लाख से लेके 9 लाख तक का पैकेज मिलता है, और ये भी 18 लाख तक जाता है। और यहाँ पे जो आप फिजिसियस बन सकते हो या टीचर होते हैं स्कूल में, तो वो भी आप बन सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आता है बीएससी इन केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी जो अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाता है, 3 लाख से लेके 8 लाख तक का, और 16 लाख तक चला जाता है। और यहाँ पे भी जो आप केमिस्ट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, या मेडिकल साइंटिस्ट होता है वो भी आप बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो हाई स्कूल में वहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री के बाद। उसके बाद आता है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस। तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में भी बीएससी कर सकते हो, यहाँ पे भी जो अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाता है, लगभग 3.5 लाख से लेके 8.5 लाख तक का पैकेज, और ये 18 लाख तक चला जाता है अगर आपके आपके पास एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो आप इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हो, बायोलॉजिस्ट होता है, पार्क रेंजर, आप ये काम कर सकते हो बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बाद। उसके बाद आता है बीएससी इन एग्रीकल्चर। अगर आपको एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी जो है बहुत सारे बच्चे जाते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर में, यहाँ पे भी जो 3.5 लाख से लेकर 8 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, और 1-2 साल के बाद जो एक्सपीरियंस आने के बाद ये लगभग 18 लाख तक भी जा सकता है। और यहाँ पे जो जॉब्स है वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हो, सोइल एंड प्लांट साइंटिस्ट, फार्म मैनेजर एंड एग्री बिजनेस कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो बीएससी इन एग्रीकल्चर के बाद।
उसके बाद आता है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। बहुत सारे बच्चों को जो फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट होता है तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे भी जो सैलरी लगभग 3 लाख से लेकर 7 लाख तक का पैकेज मिल जाता है और ये लगभग 12 लाख तक जाता है एक्सपीरियंस आने के बाद। और यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, और फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट होते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बन सकते हो। तो ये कुछ कोर्सेस थे जो आप बीएससी अगर करना चाहते हो तो हाईएस्ट सैलरी इन कोर्सेस में, इन बीएससी कोर्सेस में मिल जाती है आपको।